की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और पहली खबर रेवाड़ी से, जहां कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव का चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। चिरंजीव राव के पक्ष में जनसभा करने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रेवाड़ी पहुंचे। वहीं सचिन पायलट ने न केवल चिरंजीव राव के पक्ष में वोट मांगे बल्कि पूर्ण बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया। साथ ही सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, बदलाव होगा। तो बहुत काम किया है और सभी समाजों का वर्गों का तो पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में है, लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता ने 10 साल का लंबा समय भाजपा को दिया, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बीजेपी की रही और डबल इंजन यहाँ पे पूरी तरह फेल हो चुका है जी। लगातार सचिन पायलट जी आज मेरे लिए प्रचार करने आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि वो आज हमारे यहाँ बीच में आए और जिस तरह से जनसमूह, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी निकल के आए, ये दर्शा रहा है कि कितना प्यार यहाँ के लोग सचिन पायलट जी से करते हैं। हमारे युवा हृदय सम्राट भी है वो और मुझे बड़ा खुशी है कि आज हमारे बीच में वो वोट की अपील करने आए हैं।